चैत्र मास की नवमी। श्री राम का जन्म अयोध्या में और अयोध्या के नगरजन राम जन्म के उल्लास की खुमारी से अभी उभरे ही नहीं। सचमुच ये जो आनंददायी प्रसंग है ना, इसमें मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। जो जितना आनंददायी प्रसंग रहता है उसके पीछे की जो जो साधना रहती है वो उतनी गहरी रहती है। इसको मैं बताना चाहता हूं। जब ये गीत लिखने का प्रसंग था तो वो रात भर गदी माटगुल कर ये गीत लिखने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा था। राम जन्म के प्रसंग का वर्णन करना है, उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या लिखा जाए। वो बार बार पन्ने लिखते और काट देते, लिखते और काट देते, पूरी रात हो गई। उनकी पत्नी बार बार उनको चाय बना बना के सर्व करके देती जा रही, और लगभग पूरी रात उन्होंने लिखने और फाड़ने में गुजार। और सूर्योदय हो गया। सूर्योदय की पहली किरण जैसी उनके घर में आई और उनको जैसे प्रकाश कौन गया, और उन्होंने लाइन लिखी, दोन प्रहरी दो पहर, मतलब मराठी में दो पहर में सूर्य क्यों रुक गया, राम जन्म लाग सके। या जो मराठी में हम हिंदी में कह सकते हैं। मैंने भी इस गीत को जब लिखा तो ये जो पंक्ति के लिए मुझे इतनी लाइनें याद आई, इतनी लाइनें याद आई। अच्छा, मंगल क्षण आय सकी राम जन्म का, राम जन्म का है समय राम जन्म का। सबकी अपनी अपनी, सबकी अपनी अपनी जिद थी। फिर बाद में जो फाइनल की मैंने पंक्ति, छा गया उल्लास सकी राम जन्म का, तो ऐसा राम जन्म। और इस राम जन्म के बाद जो अयोध्या में आनंद का वातावरण है, कौशल्या अपने दूसरी रानियों को और अंतःपुर की सब महिलाओं को राम जन्म के बारे में बता रही, राम जन्म के गीत, राम के गीत। मां जो है वो बच्चे को जो उसकी आनंद रहता है वो व्यक्त करने के उसके बहुत साधन रहते हैं। ये गीत गदी माडगुळकर जी ने जो लिखा, ये मराठी का अप्रतिम गीत, लोरी गीत जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन हमने इसकी धुन थोड़ी सी डिफरेंट की, वो इसलिए कि प्रत्येक धुन लोरी वो इतनी आत्मीय रहती है, वो माटी से, उस मिट्टी से जुड़ी रहती है। मां भले ही रहती है लेकिन वो उस स्थान की जो भावना रहती है उसका प्रतिनिधित्व करती है। तो मराठी की धुन अप्रतिम है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन जब हम इसको हिंदी में ला रहे थे तो मन में आया कि नहीं, कुछ हिंदी प्रदेश की जो मिट्टी की महक है वो इसमें आना चाहिए। और अब ये जो गीत प्रस्तुत होगा, इसकी गीत रामायण की ओरिजिनल धुन से डिफरेंट है। सावला सलोना राम मेरी गोद में नहाए, अष्टगंध परिमल जैसे नीले अंबुजों से आए।